अच्छा कोकोनट. मेरी अम्मी को स्किन केयर का भी बहुत शौक है. अच्छा. और बहुत कॉन्शियस है अम्मी हमेशा से. तो मैंने उस ज़माने में इतनी नई क्रीम्स आती नहीं. वैसे जब नाइट क्रीम्स आना शुरू हुई तो अम्मी ने वो भी फिर लेना शुरू की. लेकिन अम्मी को मैंने बचपने से एक चीज़ करते हुए देखा है, कोकोनट ऑयल. अच्छा. और वो कभी मार्केट से अम्मी ने नहीं खरीदा. एम्प्रेस मार्केट जाती थी अम्मी बचपने से और वो उसको पूरा वो निकलवा के फ्रेश जो कोकोनट ऑयल है वो लेकर आती थी. वो अम्मी को मैंने अपने फेस पे लगाते हुए देखा है. वो हमें फेस पे चेहरे पे. लेकिन उसके अलावा अम्मी ने सफाइयों के लिए भी कोकोनट ऑयल रखा. ये मल्टीपर्पज था कोकोनट ऑयल जिंदगी भर हमारे घर में. क्योंकि अम्मी को ऑब्सेशन है कि अम्मी के जो किचन बार्स हैं और जो आइलैंड का जो मार्बल टॉप होता है और जो लकड़ी के दरवाजे हैं जो जिन पे डिज़ाइन बना होता है कहीं मट्टी ना नजर आए या कोई स्टेन नजर ना आए. तो अम्मी की जैसे हम पांच बहनें हैं, पांचों बहनों में एज गैप है तो ऑर्डर वाइज जैसे जैसे जिसका जो टाइम आता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. मासी नहीं करेगी ये, जो आपके घर में हेल्प आती है वो नहीं करेगी. बेटी जिस जो उस एज की है उसने मार्बल टॉप्स कोकोनट ऑयल से पूरे साफ़ करने हैं. रोज़ जब सफाई हो जाए उसके बाद मार्बल टॉप पे लगाना है, पूरा रगड़ना है ऑयल से. तो वो चमकते रहते थे अम्मी को, चमकते हुए मार्बल टॉप्स अम्मी को देखने होते थे कि शाइनी हो. और हफ्ते में एक दफ़ा दरवाजे साफ होते थे कोकोनट ऑयल से, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी जो पॉलिश होती है वुड की वो इंटैक्ट रहती है. वो ख़राब नहीं होती, वो फेड नहीं होती, वो रफ नहीं होती. नहीं होता और कोकोनट ऑयल से नहीं होता. सिटी अम्मी यूज्ड टू लिव इधर ही कराची में. वी ऑलवेज लिव्ड इन कराची. दिस इज द प्रॉब्लम, इफ यू पुट ऑयल ऑन फर्नीचर एनीवेयर ना डस्ट फॉरन ठहर जाती है. नहीं आप लेकिन मिकदार कम होगी, हल्का सा शाइनी लगाएं उसको के पूरा. मैं क्या करती हूं, मैं स्प्रे करती हूं एप्पल साइडर विनेगर. वो जो भी वो वुड को स्टेन करेगा. मार्बल को भी आपको स्टेन करेगा. आप तो विनेगर लगा ही नहीं सकते. मार्बल की पॉलिश खत्म हो जाएगी. विनेगर किसी भी एसिडिक चीज को आप मार्बल पे नहीं लगा सकते, आपको ऑयली करना पड़ेगा. और पॉलिश के लिए तो आप जो पॉलिश वाले आते हैं उनसे भी पूछें, वो भी आपको बोलेंगे कोकोनट ऑयल इज बेस्ट. बट उसके साथ साथ अम्मी मुझे आज तक याद है कि हम जब शाम में जाते थे तो हमें कोकोनट ऑयल इसलिए भी लगाती थी कि मच्छर नहीं काटेंगे. इससे भी अम्मी कहती थी कि मच्छर नहीं काटते क्योंकि अम्मी ने डेंगू तो आजकल वैसे ही फैला है. उस जमाने में डेंगू नहीं था अम्मी, लेकिन आजकल फैला है ना. कितना आप देखें अब तो बड़ा अच्छा है लोगों के लिए. तो ये भी हल्का सा बॉइलिंग करने मच्छर नहीं काटते अगर खुशबू की खुशबू. मुझे तो वैसे भी नरिश रहता है अच्छे से. कोकोनट ऑयल और उसके चार इस्तेमाल, मार्बल टॉप्स, वुडन डोर्स, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और मस्कीटो से बचने के लिए. यार ये अम्मियां नहीं होती तो हम क्या करते भाई. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.